नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे जातक मुझे कमेंट्स बॉक्स में अक्सर ये कमेंट्स करते हैं कि हमारे घर में किसी व्यक्ति ने कुछ करवा दिया है, हम कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से बहुत परेशान हैं, लोग हमसे बहुत जलते हैं, या तो हमारा काम पहले बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एकदम से कार्य बंद हो गया। दूसरा, यहाँ भी शुरू होता है कि घर में संतान सुख नहीं मिल पाना, घर में विवादित स्थितियां, हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहना, साथ ही साथ घर में इस तरह की चीजें होना जिन चीजों को कर बार बार ऐसे चीजें जो सामान्य नहीं हमें असामान्य सी दिखाई देती है। हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत तनाव में होते हैं, घर में मन नहीं लगता है और हमें बहुत तरह तरह की चीजें जीवन में फेस करने को मिलती हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किन्हीं हालातों से हम बाहर निकले लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं निकलते हैं, रोज हारते हैं, फिर खुद को खड़ा करते हैं और हम जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब ये प्रश्न आपके मन में उठता है तो आपको यह वीडियो पूरा देखकर अपनी खुद की आपको मदद करनी चाहिए। इस वीडियो में जो बातें आपके साथ साझा करने वाला हूं वह सभी बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी है और आपके जीवन में इस पूरी परिस्थिति से आप कोई व्यक्ति आपको बाहर नहीं निकल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो देखकर आप अपने इन हालातों से बाहर निकल जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ चीजें बता रहा हूँ। अब रही बात कैसे निकलना है, क्या चीजें हैं, उन सभी को हम बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को सिर्फ अंत तक देखकर, आखिरी तक देखकर आप अपनी मदद कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक सुनते आए तो एक निवेदन है कि आगे सुनने से पहले कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिख दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आए व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, जब कभी भी इस तरह के प्रश्न किसी भी जातक के जीवन में खड़े होते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारे घर में, परिवार में कुछ करवा दिया है, यह व्यक्ति के बुरे हालातों में शुरू होता है। बुरे हालातों में जब व्यक्ति के मन में यह भ्रम या तो कोई व्यक्ति भर देता है या उसे स्वयं को ऐसा लगने लग जाता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। दूसरा भ्रम यहाँ से शुरू हो जाता है कि जब व्यक्ति के साथ चलने वाले लोग बहुत आगे तरक्की करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, तब भी उन्हें इस तरह की चीजें लगती है, जो लोगों को उन्होंने सिखाया वो लोग आज आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गए। तीसरा, इस तरह की सिनेरियो क्रिएट हो जाती है कि हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के आसपास कुछ ऐसे नकारात्मक लोग रहते हैं जिनके बारे में समाज में, हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो गलत लोग हैं, वो ऐसा जादू टोना करते हैं, वो तमाम चीजें करते हैं, तो वो एक नेगेटिविटी उनसे कनेक्ट कर लेती है कि उन्होंने हमारा ऐसा करवा दिया होगा और तमाम चीजें हमारे साथ हो गई है। तो ये बातें होना किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि सामाजिक ताने बाने में जो चीजें मैंने आपके साथ साझा की, ये होना एक स्वाभाविक क्रिया है। आपका काम नहीं चलेगा, वो ग्रहों के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होना एक स्वाभाविक बात है। आपके जीवन में नेगेटिविटी होगी क्योंकि जब बुरा दौर होगा, जब हालात खराब होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति के इर्द गिर्द सब नकारात्मकता होगी, सब चीजें उसके माइनस में जाएगी। पूरे हालात में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं तो लोग साथ भी छोड़ेंगे, धन की हानि होगी, आर्थिक हानि होगी, लोग हमारा पैसा डुबाएंगे, तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन का एक पार्ट है। लेकिन कहीं भी इस पार्ट में अगर इस तरह की नेगेटिविटी आप अपने अंदर डाल देंगे कि किसी ने कुछ करवा दिया, ये कर देगा, वो कर देगा, ये जो शक और शंका वाला जो एक भाव शुरू हो जाता है, ये खुद को ही खुद में खत्म कर देता है, खुद को ही खुद में खत्म कर देता है। तो सबसे पहले ये को बाहर निकालें। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा के लिए सिर्फ बजरंग बली और हनुमान जी महाराज की शरणागत जाने से आपकी आदर्श समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर रोज आप हनुमान जी के दर्शन करते हैं, रोज आप राम नाम का जप करते हैं, रोज आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, अपने घर के आसपास हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाते, कोई भी इस तरह के नेगेटिव पावर आपको कुछ नहीं कर सकती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी नाम सुना, तो वो सभी बाधाओं को स्वाभाविक रूप से हर लेते हैं। तो ये सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखे, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप में दिमाग में अगर क्लियर रहेगा तो आपकी बहुत समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरी समस्या कि हम खुद को नेगेटिव ना करें। मैं मानता हूं आपके हालात बहुत खराब है, जो नेगेटिविटी का पूरा भार है, जो हमारा मन मस्तिष्क बहुत नेगेटिव हो जाता है, ये राहु की वजह से होता है। इसलिए जितना हो सके उतने राहु के प्रयोग आप करें। राहु के प्रयोग होते हैं पीपल का वृक्ष लगाया, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाया, पीपल को जल चढ़ाए, जितना हो सके वृक्षारोपण करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें जो आप कर पाए। जैसे मान लीजिएगा किसी को शिक्षा की किताबें तो किताबें दे पाए, पेन दे पाए, 5 रुपए का पेन आता तो पेन, पेंसिल, रबर, जो चीजें, तो आप अपने घर में हमेशा नियमित रूप से बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ करें, या अपने मोबाइल में या ऑडियो टेप बाजार से मिलता है, अगर आप अफोर्ड कर पाए, आप ले पाए तो वो लगाकर घर में 24 घंटे चलने दे, अगर हो सके जितनी ज्यादा देर तक चला दे हनुमान चालीसा बार बार आप चलाने दे, चलते रहने। आपके घर में जो एक नेगेटिव एनर्जी है, जिस एनर्जी आपके द्वारा ही निर्मित की गई है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव लड़ाई झगड़े तमाम चीजें चलती रहती तो आप अच्छा नहीं सोच पाओगे, और जहां अच्छा नहीं सोच पाओगे स्वाभाविक सी बात है कि नेगेटिविटी क्रिएट होना, तो एक ऐसी ऊर्जा जनरेट होती है हनुमान चालीसा से पॉजिटिविटी की, जो हमारी नेगेटिव एनर्जी उसे खत्म कर देती है और उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है और हमारे जीवन में चीजें सरल हो जाती है। दूसरा है कि चीजों को समझना, अध्ययन करना, अपने दिमाग और विवेक से चीजों में चलना। अपने दिमाग और अपनी बुद्धि और विवेक से अगर आप चीजों में चलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन कोई नशा और व्यसन नहीं करना है। नशा और व्यसन बहुत तकलीफ देह विषय है। नशा की जब बात होती है तब ये नहीं, बहुत से देशों में नशा करना मतलब
शराब पीना जरूरी शरीर को हीट के लिए, वो एक दवाई के तौर पर। नशे का मतलब है कि कोई भी चीज को बहुत अतीत तौर पर करना, जिस जो एक क्षेत्र में जो किसी विषय को लेकर रिलेवेंट नहीं है, मैं वहां पर बात करूं किसी भी विषय का, नशा नहीं करना है। चाहे वो जुआ खेलते हैं, शराब बहुत पीते हैं, बहुत सारे लोग गाली गलौज करते हैं, बहुत से लोग नेगेटिविटी करते हैं, तो इस तरह का कोई भी नशा एक बार खुद को ऑब्जर्व करें कि मैं किस चीज का नशा कर रहा हूं। वो नशा जरूरी नहीं कि जो हमें जो चीज हम खाते पीते हैं, कई बार बहुत सी नेगेटिव चीजों का भी नशा हम करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना भी एक नशा है। तो इन सब चीजों से खुद को बाहर हमें निकालना होगा। जब तक हम इन चीजों से बाहर खुद को नहीं निकालने की कोशिश करेंगे, तब तक चीजें पॉजिटिव नहीं होगी। क्योंकि ये जितनी बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये राहु और शनि का फेर होता है, इसी फेर की बदौलत व्यक्ति इस तरह के पूरे गुमराह करने वाले ट्रैक पर चले जाता है और बस वो गुमराह होता जाता है, और वो गुमराह इस कदर हो जाता है कि वो उस पूरे मायाजाल से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। अब अगर आपको बाहर निकलना है तो बहुत खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपने काम पर कर्म पर बहुत फोकस रखें, खुद को मौन व्रत धारण करना शुरू करें, चुप रहना शुरू करें, हर एक बात एक्सप्रेस करना बंद कर दे, चुप रहें। अपने गुरु मंत्र का, नहीं है कोई मंत्र तो सीताराम सीताराम का जप सतत अपने मन में चलने दे। जितना आप जप करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको देखने को अपने जीवन में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कोई भी परिस्थितियाँ हो, चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो, हिम्मत नहीं हारना है, निडर रहना है, साहस रहना है और खुद को पॉजिटिव रखना है। जब इस तरह की इच्छा शक्ति, मैं मानता हूँ कि इस तरह की इच्छा शक्ति के लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता है, लेकिन इस तरह की इच्छा शक्ति आपको जीवन में जितने सारे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव है उनसे हमेशा बचा कर रखेगा और आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आप ये वीडियो अपने यहाँ तक सुना समझा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, अर्थात आप अपने जीवन में अगर इस तरह की कोई परेशानी से गुजर रहे हैं या कोई भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों हमसे जो भी मदद हो पाएगी हम ज़रूर आपकी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।